12, the team's second defender, who has played football since Kessler founded UWA India in 2009, was among the two girls from UWA who had toured with India's under-14 team to Sri Lanka last year. शिवानी टोपो जो कि 12 ईयर्स की हैं, टूर टीम की सेकंड डिफेंडर हैं, जो फुटबॉल खेलना जानती थी जब से गैसलर ने युवा इंडिया फाउंड किया, मतलब 2009 से ही वो खेल रही थी एज अ सेकंड डिफेंडर. शी वॉज अमंग द टू गर्ल्स, मतलब युवा की दो गर्ल्स ऐसी थी उसमें से एक शिवानी टोपो थी, जिन्होंने इंडिया की अंडर 14 टीम श्रीलंका तक टूर किया था लास्ट ईयर. शी एक्सप्लेन्स हर इंटरेस्ट इन द गेम इन सिंपल वर्ड्स, इट कीप्स मी हेल्थी, इफ आई स्टे होम आई डू नॉट फील गुड, ऑल्सो फ्रांस सर गॉट ऑल ऑफ अस टू गो टू good schools, he helped my family pay the school fees and now the school has waived off the fees. तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट फुटबॉल में कैसे बताया है कि वो उन्हें हेल्दी रखता है और अगर वो घर पर रुकती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता. और उन्होंने फ्रांस सर के बारे में बताया कि फ्रांस सर ने उन सभी को अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करी, उन्होंने उनकी फैमिली को हेल्प भी किया ताकि वो स्कूल फीस पे कर सकें, और अब स्कूल ने क्या किया है, उनकी फ़ीस को वेव ऑफ कर दिया है. वेव ऑफ करना मतलब कि डिस्पेंस कर देना, ख़त्म कर देना, माफ़ कर देना. Shivani's family live in Kutch House in Hotup, not far from the football field. On her way home after the two-hour practice session every day, neighbors would pass rude remarks, Shivani recalls. Shivani ki family Kutch ke ghar mein rehti hai, Hotup mein, जो कि फुटबॉल फील्ड से ज़्यादा दूर नहीं है. जब वो अपने घर पर आती हैं टू आवर प्रैक्टिस के बाद में हर दिन, तो नेबर्स उनके ऊपर रूड कमेंट्स पास करते हैं. शिवानी अभी भी याद करती हैं, दे वुड से व्हाई डू यू वॉक अराउंड इन हाफ पैंट्स लाइक बॉयज, माई फादर डाइड लास्ट ईयर बट आई रिमेंबर ही वुड टेल मी दैट आई शुड गिव इट बैक टू दिस पीपल. वो कहते थे कि तुम हाफ पैंट्स में, मतलब शॉर्ट्स में, लड़कों की तरह क्यों घूमती हो. जब उनके फादर लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई थी उनके फादर की, तो उन्हें याद है कि उन्होंने कहा था कि जो लोगों ने ये सब कुछ कहा है उन लोगों को ये सब वापस लौटाना है. सो आई टोल्ड देम आई ईट फूड दैट माई पेरेंट्स कुक फॉर मी बिफोर प्लेइंग, आई टेक नथिंग दैट इज़ योर्स. और वो उन्हें यही कहती थी कि मेरे पेरेंट्स जो खाना बनाते हैं मेरे लिए, मैं वही खाती हूँ, मैं आपका खाना नहीं खाती. सो इट इज़ एन रिप्लाई टू देयर रूड कमेंट्स. सुनीता कुमारी हु लिव्स इन अ विलेज आउटसाइड ऑफ रांची इज़ अ पैशनेट फुटबॉलर. सुनीता कुमारी जो कि विलेज के आउटसाइड, मतलब कि रांची के गांव के आउटसाइड रहती हैं, वो एक पैशनेट फुटबॉलर हैं. शी प्लेज फॉरवर्ड एट एन अटैकिंग पोजिशन विच इकोज विद हर एटीट्यूड इन लाइफ. वो फॉरवर्ड अटैकिंग पोजीशन पे खेलती हैं जो कि उनकी लाइफ में एटीट्यूड का इको है. इन 2010 सुनीता जॉइंड अ फुटबॉल अकेडमी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी नियर हर विलेज एंड हैज़ बीन ट्रेनिंग हार्ड सिंस देन. और 2010 में सुनीता ने फुटबॉल अकेडमी को जॉइन किया और एजुकेशनल फैसिलिटी जो उनकी विलेज के पास में थी वहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली. शी वॉज द यंगेस्ट स्पीकर इन डेनमार्क अमंग अकम्पलिश्ड वुमेन फुटबॉलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. वो सबसे यंग स्पीकर थी डेनमार्क में, जिन्होंने जो हाईली ट्रेंड फुटबॉलर्स थे पूरे वर्ल्ड में से. इन ब्रोकन इंग्लिश सुनीता स्पोक ऑफ हर ड्रीम्स एंड ड्रू ह्यूज अप्लॉज फ्रॉम अ पैक्ड हॉल. ब्रोकन इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में सुनीता ने कुछ अपने ड्रीम्स के बारे में बताया जो जिसकी वजह से उनको एक ह्यूज अप्लॉज भी मिला. अप्लॉज मतलब उनको ह्यूज क्लैपिंग के द्वारा उनकी प्रेज हुई थी पैक्ड हॉल में. उन्होंने कहा आई विल स्टडी मोर then go to a university and I will choose my job. I will convince my parents that I want to be a businesswoman. उन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा स्टडी करूँगी और उसके बाद में मैं एक यूनिवर्सिटी में जाऊँगी और अपनी जॉब खुद चूज़ करूँगी. मैं अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करूँगी ताकि मैं एक अच्छी से बिजनेस वूमेन बन सकूँ, सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन सकूँ. शी सेड सुनीता सेड दैट फुटबॉल हैज़ गिवन हर द कॉन्फिडेंस टू ड्रीम ऑफ एन एजुकेशन एंड अ जॉब डिस्पाइट फ्रॉम बीइंग अ स्टेज वेयर गर्ल्स लाइक हर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड आर मैरिड ऑफ अर्ली विदाउट एवर बीइंग सेंट टू स्कूल. सुनीता ने कहा कि फुटबॉल ने उनको कॉन्फिडेंस भी दिया है ताकि वो अपना एजुकेशन और जॉब का सपना पूरा कर सके.
और ऐसे स्टेट में जहाँ पर गर्ल्स को जल्दी ही शादी करवा दी जाती है रेदर देन बीइंग गोइंग टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने से पहले ही उनकी शादी हो जाती है। मोनिका कुमारी, अ 16-year-old, एक्सप्लेन। 16-year-old मोनिका कुमारी जो उसी टीम की है, उन्होंने एक्सप्लेन किया, द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस हैज़ बीन इन आवर पर्सनैलिटीज। फुटबॉल इज नॉट ओनली गोल, वी हैव लर्न्ड हाउ टू स्पीक एंड बिहेव इन पब्लिक। अर्लियर क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस यूज टू बी शाई, बट दैट इज नॉट द केस एनी मोर। उन्होंने बोला कि हम सभी में इम्प्रूवमेंट, बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट हमारी पर्सनैलिटीज़ में आई है। फुटबॉल सिर्फ एक अकेला एम नहीं है जो हमें अचीव करना है, हमने फुटबॉल से सीखा है बहुत कुछ, जैसे कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए पब्लिक में। अर्लियर मतलब कि पहले उस टीम के बहुत सारे ऐसे कंटेंडर्स थे जो शाय थे, शाय मतलब शर्माते थे, बट दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। लेकिन आज इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई है कि ऐसा केस अभी नहीं है। द स्कूल विच फ्रांस कैसलर स्टार्टेड इन 2009 अलॉन्ग विद द एकेडमी नाउ हैज़ 80 गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 1 to 9 फ्रॉम नियर बाई विलेजेस। जो फ्रांस कैसलर ने 2009 में स्कूल स्टार्ट किया था उस एकेडमी के साथ में, उस स्कूल में आज 80 गर्ल्स हैं फर्स्ट से नाइन्थ क्लास में, जो कि नियर बाय विलेजेस की हैं। और लार्जर फैसिलिटी टू एजुकेट 500 गर्ल्स इज़ इन द पाइपलाइन। और फिर वो एक प्रोसेस सोच रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जिसमें 500 गर्ल्स एक साथ पढ़ सकें। We have realized that football can be powerful platform for education. The girls who play football stick together and encourage each other to study and dream of a brighter future, says France. France बोलते हैं कि हमने realize किया है कि football एक education का अच्छा powerful platform बन सकता है, और जो girls football खेलती हैं वो खुद भी साथ में रहती हैं और दूसरों को भी motivate करती हैं ताकि वो पढ़ें और अपना brighter future का जो dream है वो accomplish कर सकें। The team didn't make it though to the finals of the tournament, but the girls were anything but disheartened. And I think I achieved my goals. My goal was to go to Spain and learn something. My goal wasn't winning or losing, says Radha. Radha ने कहा है कि फाइनल्स चाहे उनकी टीम टूर्नामेंट्स की फाइनल्स में नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी जो गर्ल्स थी वो डिसहार्टन नहीं हुई थी। राधा ने कहा कि आई थिंक आई अचीव माई गोल्स, मुझे लगता है कि मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। मेरा गोल यही था कि मुझे स्पेन जाकर वहाँ से कुछ लड़ना है, कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है। मेरा गोल जीतना या हारना नहीं था। फ्रांस कैसलर इज एक्साइटेड अबाउट द टीम्स अचीवमेंट एंड ऑल्सो द फ्रिक्समैन प्रभु, द आर्किटेक्चर फॉर्म दैट डिजाइन द दिल्ली मेट्रो स्टेशन हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्प्लीटिंग द युवा स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रिक्समैन प्रभु जो कि आर्किटेक्चरल फॉर्म जो जिन्होंने दिल्ली मेट्रो स्टेशन डिज़ाइन किया है, एक आर्किटेक्चर हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो युवा स्कूल को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। तो फ्रांस कैसलर इस अचीवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ कलेक्टिंग फंड्स एंड सीकिंग डोनेशंस। उन्होंने एक अपना एक कैंपेन, एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जो कि डोनेशंस और फंड कलेक्ट करता है। द बैंड ऑफ यंग गर्ल्स आर नॉट डिस्करेज, यंग गर्ल्स का जो एक बैंड है उसको डिस्करेज नहीं किया जाता। दे हैव डिटर्मिनेशन एंड नथिंग कैन स्टॉप दैम। उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि उन्हें कुछ हासिल करना है और कुछ भी उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता। द गर्ल्स से दे हैव फाउंड देयर कॉलिंग एंड वॉन्ट टू फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग नॉट जस्ट फॉर देयर हार्ट्स बट फॉर देयर फ्यूचर्स। और गर्ल्स कहती हैं कि उन्हें अपना रास्ता पता चल गया, अपना पैशन पता चल गया है, उन्हें सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है और सिर्फ अपने दिल के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए भी उन्हें कुछ हासिल करना है। दिस यंग गर्ल फुटबॉलर्स ऑफ झारखंड कैन बी कॉल्ड इंडियाज़ प्राइड एज दे हैव प्रूव टू ऑल दैट इफ़ यू हैव द विल, प्रिजर्वेंस एंड सिंसेरिटी नथिंग कैन स्टॉप यू। ये यंग फुटबॉलर्स जो थी झारखंड की, ये इंडिया की आज प्राइड हैं, और उन्होंने प्रूव किया है कि अगर आपके पास इच्छा हो, प्रिजर्वेंस हो, सिंसेरिटी हो, तो आपको कुछ भी स्टॉप नहीं कर सकता। युवा युवा हम हैं युवा, सबसे जुदा जेंदवा को मारे, नेतवा को फाड़े, मिल के बोलो जय युवा। वी आर यंग, वी आर सो स्पेशल, वी आर ऑन द बॉल, वी अटैक द नेट, ऑल हेल युवे। द टीम ब्रेक्स इनटू कॉरस एज दे प्रोसीड फॉर प्रैक्टिस ऑन अ
हॉट समर आफ्टरनून। तो जब वो आफ्टरनून में जाती थी तो वो इस कॉरस को, इस पोएम को गाते गाते ही प्रैक्टिस करने जाती थी और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, इसी पावरफुल विल के साथ वो प्रैक्टिस करने जाती थी। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर, नाउ मूविंग टू द लेट्स ट्राई क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स ट्राई वन। Choose the correct meaning from the box for the given words. Make sentences of your own with the given words. One has been done for you. तो इस box में जो words दिए हुए हैं आपको उसका correct meaning choose करना है और उनसे आपको अपने sentences भी बनाने हैं। जैसे prestigious, तो prestigious word का मतलब होता है respected. So my brother was promoted to a more prestigious position because of his hard work and commitment. So this is the sentence कि मेरे brother को respected position पे promote कर दिया गया क्योंकि उनके hard work और commitment के कारण। Second word is traditional. Traditional मतलब old fashioned. My grandmother is very traditional and she always keeps an eye on the clothes we wear when we go out. मेरी grandmother बहुत traditional है, मतलब old fashioned है, और वो हमेशा नज़र रखती हैं कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो हम क्या क्लॉथ्स पहन कर जा रहे हैं। Disheartened मतलब discouraged. Though we have stayed at the same resort every year, our last visit left us so disheartened that we are not eager to return. Disheartened मतलब डिस्करेज, मतलब डीमोटिवेटेड हो जाना। तो हम सेम रिजॉर्ट एवरी ईयर रुकते हैं लेकिन हमारी लास्ट विजिट ने हमें इतना डीमोटिवेट कर दिया कि हम वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहते। इलिटरेसी मतलब इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। एजुकेशन इज नेग्लेक्टेड अमंग द गर्ल्स इन झारखंड, सो द परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी इज हाई। एजुकेशन जो है झारखंड में गर्ल्स की, वो नेग्लेक्ट की जाती है, मतलब उसको इतना मोटिवेट नहीं किया जाता है, इसलिए इलिटरेसी के पर्सन, जो इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट है, इलिटरेसी के परसेंटेज झारखंड में ज़्यादा है। वॉलंटरली मतलब विदाउट टेकिंग मनी। आफ्टर स्कूल आई हैव टू टीच द पुअर चिल्ड्रन नेक्स्ट टू माई हाउस वॉलंटरली। कोर्स मतलब एवरीडे जॉब्स। शी गेव माई सिस्टर एंड मी होम हाउस होल्ड कोर्स टू डू आफ्टर स्कूल सो दैट वी रिटर्न द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next, let's try to tick the correct option. The text is an inspiring story of girls who played B, football. Answer is B. Question number 2. The girls in the Jharkhand team feel disheartened because they were spirited and confident. So, जो girls थी वो disheartened नहीं feel करती थी क्योंकि वो spirited थी और confident थी। Yuva now runs a full-fledged school with 90 students. The term full-fledged means fully developed. Answer is A. A larger facility to educate 500 girls in the pipeline. The phrase in the pipeline means educating the girls in the final plan. Answer is C. What do the girls mean when they say that they have found their calling? They have found their purpose in life. Answer is A. Let's try 3. Answer these questions in your notebook. Name the tournament played by Jharkhand girls. What position did the girls get in the category they played in? कौन सा टूर्नामेंट जीता था गर्ल्स ने? द टूर्नामेंट इज द कैस्टिव्स कप इन स्पेन। द गर्ल्स वर प्लेस थर्ड इन द कैटेगरी दे प्लेड इन। कौन सी कैटेगरी में? अंडर 14 कैटेगरी में उनको थर्ड प्लेस मिला था। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द झारखंड गर्ल्स फील? व्हाट डिड दे डू व्हेन द अनाउंसमेंट ऑफ द विन वाज मेड? कैसा फील हुआ था उनको जब उनको अनाउंसमेंट उनकी विनिंग की हुई थी, तब उनको कैसा फील हो रहा था और वो क्या कर रही थी? द गर्ल्स फील प्राउड, एक्साइटेड एंड एलेटेड। दे रश टू देयर ड्रेसिंग रूम टू चेंज इनटू ट्रेडिशनल रेड बॉर्डर्ड वाइट साड़ीज। वो ड्रेसिंग रूम गई, उन्होंने ट्रेडिशनल रेड बॉर्डर्ड वाइट साड़ीज चेंज किया। दे वोर प्लास्टिक फॉर्स इन देयर हेयर्स क्लेमिंग टू द वर्ल्ड दैट दे वर इंडियंस। प्राउडली वो अपने हेयर्स में प्लास्टिक फ्लॉर्स अपने हेयर में लगा के आई थी ताकि ये क्लेम कर सके कि वो इंडियन है। दे कुड नॉट स्लीप दैट नाइट ड्यू टू एक्साइटमेंट। और वो इतनी खुश थी कि वो रात में सो नहीं पाए थे और वो बहुत प्राउड थे और एक्साइटेड थे। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई वाज द झारखंड टीम कॉल्ड द सुपर गोट्स बाय द ऑर्गेनाइजर्स? झारखंड टीम्स को सुपर गोट्स क्यों कहते थे ऑर्गेनाइजर्स? सो द झारखंड टीम वाज द फाउंडर ऑफ युवा वाज द झारखंड टीम वॉज कॉल्ड सुपर गॉड्स बाय द ऑर्गेनाइजर्स बिकॉज दे प्लेड बेयर फुट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैचेस। प्रैक्टिस मैचेस के टाइम पे वो बेयर फुट खेलते थे, मतलब कि बिना चप्पल्स के खेलते थे, इसलिए उनको
सुपर कोर्ट्स कहा जाता था। हु वॉज फाउंडर ऑफ युवा, वॉट वॉज हिज मेन एम ऑफ फॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशन। युवा का फाउंडर कौन था और उनका मेन एम क्या था इस इंस्टीट्यूशन को बनाने का। द फाउंडर ऑफ युवा वॉज फ्रांस कैसलर, एंड अमेरिकन नेशनल, एक अमेरिकन नेशनल था फ्रांस कैसलर। ही फॉर्म द इंस्टीट्यूशन टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी अमंग द गर्ल्स ऑफ द एरिया, एंड ऑल्सो टू प्रूव दैम अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाई थी ताकि वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट फाइट कर सकें और इलिटरेसी के अगेंस्ट फाइट कर सकें, जो कि उस एरिया में गर्ल्स के साथ होती थी, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें थ्रू स्पोर्ट्स और एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द गर्ल्स फैमिलीज डिस्करेज देम फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल। गर्ल्स की फैमिलीज उनको डिस्करेज क्यों करती थी फुटबॉल खेलने से। द गर्ल्स वर डिस्करेज बाय देयर फैमिलीज टू प्ले फुटबॉल बिकॉज दे थॉट दैट द गर्ल्स विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली। सो बॉयज वर सेंट टू स्कूल बट गर्ल्स वर टोल्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क। दे वर ऑल्सो पोस्टेड टू मैरिज एट अ वेरी यंग एज, एंड मनी वॉज सेव टू गिव डाउरी। गर्ल्स को डिस्करेज किया जाता था क्योंकि उनकी फैमिली सोचती थी कि गर्ल्स फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, और बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता था जबकि गर्ल्स को कहा जाता था कि वो घर का ही काम करें, और उनको उनकी मैरिज जल्दी करा दी जाती थी और उनकी जो पढ़ाई के पैसे थे वो सेव किए जाते थे डाउरी के लिए, दहेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डिड द सुनीता कुमारी से विच ड्रो ह्यूज अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस। ऐसी क्या बात कही थी सुनीता कुमारी ने जिसकी वजह से उनको ऑडियंस से ह्यूज अप्लॉज मिला था। सुनीता कुमारी स्पोक अमंग अकम्प्लिश्ड वुमेन फुटबॉलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। शी सेड दैट शी वॉन्टेड टू स्टडी मोर एंड गो टू द यूनिवर्सिटी। शी वुड लाइक टू चूज देयर जॉब एंड बिकम अ बिजनेस वुमेन। शी सेड दैट फुटबॉल हैड गिवन हर कॉन्फिडेंस टू ड्रीम ऑफ एन एजुकेशन एंड अ जॉब। सुनीता कुमारी वुमेन फुटबॉलर्स के बीच में कहती हैं कि वो स्टडी करना चाहती हैं और फिर यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हैं, वो अपनी जॉब खुद चूज़ करना चाहती हैं और एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि फुटबॉल ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है और अपनी ड्रीम की एजुकेशन और जॉब अचीव करने का कॉन्फिडेंस दिया है। लेट्स ट्राई 4, read the question and give your voice views, write the answers in your notebook. Do you think being a football player is a practical and worthwhile career in India for young girls? Write 5 points in support of your answer. क्या आपको लगता है कि football player बनना इंडिया में एक worthwhile career है young girls के लिए? अपने support में आपको 5 points बताने हैं। So yes, football can be considered as practical career for girls because क्यों? The girls are being able to earn money since for each game they are paid by the organization. Funds are being given by the government and private organizations in order to support players. Celebrities are endorsing and recommending game, which helps to bring it to notice of industrialists and others who are then helping to fund it. तो girls को money earn करने का opportunity मिल जाती है और organization के through वो हर game के लिए paid भी होते हैं। फंड्स गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशंस को प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, और सेलिब्रिटीज़ की भी रिकमेंडेशंस के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट के नोटिस में उनको फंडिंग मिल जाती है। मैनी कॉम्पिटिशंस आर बीइंग हेल्ड वेयर टीम्स कम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल विच इनेबल्स देम टू कम इनटू द लाइमलाइट। बहुत सारे कॉम्पिटिशन हेल्ड होते हैं और जो टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती हैं वो लाइमलाइट में आ जाती हैं। फुटबॉलर्स गेट अ चांस टू गो टू इंटरनेशनल विच नॉट ओनली हेल्प्स देम टू अर्न बट ऑल्सो गिव्स देम एक्सपोजर एंड कॉन्फिडेंस। फुटबॉलर्स के पास चांस रहता है कि वो इंटरनेशनल गेम्स भी खेलें, जो कि ना कि सिर्फ उन्हें अर्निंग में काम देता है लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करता है। एजुकेशन प्रोवाइडेड फॉर देम इनेबल्स देम टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स विच देन स्पॉन्सर्स देम टू प्ले फुटबॉल। एजुकेशन जो उनको दी जाती है वो उनको गवर्नमेंट जॉब पाने के भी काम आती है, और फिर इसीलिए वो फुटबॉल खेल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लेट्स ट्राई 4, Why do we call the girl footballers of Jharkhand India's pride? India's pride हमने उन young girls of Jharkhand को क्यों कहा? We call the girl footballers India's pride because from a primarily tribal region, they have won a prestigious trophy and made India proud. They have undergone various hardships because they had no proper training facilities, did not have proper football gear to play. They played barefoot to save their shoes for the real game. With their practice, they also had to do a lot of height
a lot of household chores like sweeping, cooking, and washing clothes. They did not get support or encouragement from their families as well as their people from the village. They were not allowed to study because they were thought to be a financial burden. Money had to be kept for dowry rather than education. Against all these odds, girls were successful. They now have confidence and want to pursue different careers. They are truly India's pride. So, गर्ल फुटबॉलर्स को इंडिया स्प्राइड इसलिए हमने कहा क्योंकि वो एक ट्राइबल रीजन से थे और उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल ट्रॉफी जीती थी जिसने इंडिया को प्राउड किया था. उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए थे अपनी लाइफ में. उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके पास प्रॉपर फुटबॉल गेयर्स नहीं थे, वो बैर फुट खेलती थी और उन्होंने शूज़ सेव करके रखे थे रियल गेम के लिए. प्रैक्टिस के साथ में वो अपने घर का काम भी करती थी, स्वीपिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, और उन्हें फैमिली से भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता था, ना ही विलेज के पीपल से मिलता था. उनको स्टडी करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था और उनको एक फाइनेंशियल बर्डन समझा जाता था, मतलब फाइनेंशियल बोझ समझा जाता था. और उनके जो एजुकेशन के पैसे हैं उनको डाउरी के लिए, दहेज के लिए सेव किया जाता था. इन सभी ऑड्स के होने के बाद भी ये गर्ल्स सक्सेसफुल रही और कॉन्फिडेंस, अब उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डिफरेंट करियर परस्यू कर सकती हैं, इसलिए उनको ट्रूली इंडिया का प्राइड कहा जाता है. वर्ड पावर में आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए जब कोई एक वर्ड कहा जाता है सिंगल वर्ड, तो उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. जैसे एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, बहुत सारी अगर लिसनर्स होते हैं, उनकी असेंबली होती है, तो उनको ऑडियंस कहा जाता है. अ रूम कंटेनिंग मैनी बुक्स, एक रूम जिसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो उसको लाइब्रेरी कहा जाता है. इस तरीके से कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन. बी वर्ड विद द सेम मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो तो उसको हम सिनोनियम्स बोलते हैं. पीपल हु वर्क टुगेदर, जो लोग साथ में काम करते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं. सी वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो इंसान दो लैंग्वेज बोल सकता है उसको हम बायलिंगुअल बोलते हैं. ए पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, ऐसा इंसान जो फ्री में वर्क करता है उसको वॉलंटियर बोलते हैं. लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, एक खुद की लाइफ हिस्ट्री अगर होती है, हम खुद लिखते हैं, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यू मे यूज डिक्शनरी फॉर मोर क्लैरिटी. तो इन वर्ड्स में से ही हमें जो हमें क्लूज दे रखे हैं अक्रॉस और डाउन साइड में, उन क्लूज को कम्प्लीट करना है. ठीक है, जैसे अक्रॉस में 5th नंबर का है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. तो अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इन सारे वर्ड्स में से हम किसको बोलते हैं, सेंचुरी को बोलते हैं. तो क्रॉस में, अक्रॉस में मतलब हॉरिजॉन्टल, तो एक सीधी लाइन में 5th नंबर वाला पॉइंट क्या है, सेंचुरी. तो हम इस ब्लॉक में 5th नंबर पे आपको दिख रहा होगा, 5th ब्लॉक में हमने अक्रॉस में क्या लिखा है, सेंचुरी. ओके, इस तरीके से आपको ये ब्लॉक कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्या है, द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ. प्लांट लाइफ किस साइंस को बोलते हैं, बॉटनी. द साइंस ऑफ एनिमल लाइफ को बोलते हैं जूलॉजी. एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं. वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स इज स्पोक्स पर्सन. दैट विच कैन नॉट बी हर्ड इज इनऑडिबल. डाउन साइड में वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच इज ऑरेटर. वन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट इज इलिटरेट. दैट विच लीव्स ऑन अदर्स इज पैरासाइट. हैपनिंग एट द सेम टाइम इज साइमल्टेनियस. अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज कैटलॉग. अ पीरियड ऑफ 2 weeks इज फॉर्टनाइट. तो ये सारे जो क्रॉस और डाउन वाले नंबर्स हैं, ये हमें इसमें फिल करने हैं और इस क्रॉसवर्ड पजल को कम्प्लीट करना है. सो टुडे योर होमवर्क इज कम्प्लीट योर कॉपी एंड राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी विथ योर बुक कम्प्लीशन. Up to let's try 6.